हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग विला चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कॉर्न कैप के बारे में, कॉर्न कैप कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको अपने चैनल के माध्यम से देने वाले हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, यदि किसी को कॉर्न हो जाता है, जिसे हम साधारण शब्दों में गोखुर या गोखुरु के नाम से जानते हैं, वह व्यक्ति काफी घबरा जाता है। जब वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अधिकतर उन्हें सर्जिकली रिमूव करने के लिए बताते हैं, जिससे व्यक्ति घबरा जाता है। आज हम आपको बहुत साधारण उपाय बताने वाले हैं, जो आपको मेडिकल स्टोर से बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इससे जो है गोखुर आपका नेचुरल तरीके से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये कॉर्न है, कॉर्न कैप, जो इसमें 3 स्ट्रिप निकलती हैं। ये पर्ची है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। मैंने सबसे पहले एक स्प्रे स्वैब लिया है। स्प्रे स्वैब से जहां पे कॉर्न है, जिस व्यक्ति को, उसके कॉर्न के अराउंडेड एरिया को, सेंटर टू पेरिफेरल, उसको स्प्रे स्वैब से क्लीन करेंगे। क्लीन करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ऐसे हमको कॉर्न कैप को या कॉर्न स्ट्रिप को यूज नहीं करना है। हमने क्लीन कर लिया है। ये कॉर्न कैप की एक स्ट्रिप इसमें से लेंगे हम, और इसको दो साइड से इसमें रहता है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। इजी तरीके से ये निकल जाएगा, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी तरीके से ये जो इसकी ऊपर लगी पॉली होती है, वो ये इसमें मेडिसिन लगी हुई है, तो इसको जो टिप होती है जहां पे कॉर्न है, उस पे एकदम जहां पे ये मेडिसिन लगी हुई है फ्रेंड्स, इसको उसी पे रखना है। देख रहे हैं, इजी तरीके से रख गया है। रखने के बाद इसे हम चिपका देंगे। फ्रेंड्स, 2 से 3 या 3 से 4 स्ट्रिप यूज करने से आपका जो गोखुर है वो नेचुरल तरीके से रिमूव हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।